हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सर्वाइव करने जा रहे हैं 200 डेज इन अ सर्वाइवल आइसलैंड। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, लास्ट वीडियो में हमने सर्वाइव किया था 50 डेज मोर, और मतलब हमारे हो गए थे पूरे टोटल 100 डेज। और उसमें कुछ लगे थे 3-4 घंटे, तो मतलब 3-4 घंटे इसमें और लग जाएंगे, मतलब 8 घंटे। हाँ, हमारा काम अब ज़्यादा इजी होने वाला है। इजी तो मैं ज़रा सीट देख लेता हूँ पहले, तो सीट दिखाने का आपको फ़ायदा है नहीं अगर छुपाने का। और चलो, ये क्या है, दूर यही है, क्रिएटिव से सर्वाइवल कर देते हैं, बिकॉज मैं क्रिएटिव में जाता ही नहीं हूँ इस वर्ल्ड में। तो फिलहाल हम अपने वर्ल्ड और नेक्स्ट वाली वीडियो होगी माइनक्राफ्ट सीजन 2 की, बिकॉज ऑफ अपने लोग मैंने इंस्टाग्राम पे करते हैं कि यार तू भूल चुका है उसको, तू भूल चुका है। नहीं भूला हूँ भाई, मैं भाई बैस्टियन मिला है। सीजन 1 भी दोबारा से शुरू होने वाला है, बिकॉज फिर हम बैस्टियन लूटने जाने वाले हैं, और इस वर्ल्ड के अंदर भी आज हम जाने वाले हैं नेदर में एंशिएंट डेब्री की माइनिंग करने, डेब्रीज की माइनिंग करने। तो चलो फटाफट से हमारा वर्ल्ड पर स्टार्ट हो जाए। और आज पहली बार है जितनी जल्दी लोडिंग हो गया। ओके, तो मैं बैशन में ही हूँ फिलहाल, तो अभी तो मैं, हाँ लास्ट वीडियो में हम यहाँ पे आए थे और बैशन में हमको कुछ मिला नहीं था, बस इस गोल्ड के अलावा एक ही मिला था और कुछ मेरे को मिला नहीं था। तो फिलहाल हमको यहाँ पर 2 चेस्टें मिल चुकी हैं, तो इस चेस्ट के अंदर कूड़ा ओपी। तो फिलहाल, और इस चेस्ट में क्या मिलेगा हमको, ओ माय गॉड, एक गोल्डन एप्पल है इसके अंदर, और कुछ ये है माय गॉड, अच्छी लूट थी, नॉट बैड। ओ नीचे भी है अभी ये, वही मैं कहूँ ना, छोटा था बैशन तो मैंने देखा ही नहीं यार, बैशन तो बड़ा नहीं लग रहा। तो फिलहाल हम चलते हैं, आज हमको एक और बैशन को ढूंढने जाना है, बट वो हम अभी जाएंगे। और ये था डे 105, तो जिसमें मैं बैशन से बाहर जाने का रास्ता ढूंढता हूँ। तो और यहाँ से एक रास्ता तो नहीं, पर हालांकि यहाँ पर मेरे को बैशन का एक और हिस्सा मिल जाता है, जिसको मैं देखता हूँ। और यहाँ पे इस बैशन के हमें भी कुछ नहीं मिलता है, तो और फिर हम यूज़ करते हैं अपनी लेजेंडरी चीज़ कमांड। तो मैं कमांड से एक जगह पे ठीक हो जाता हूँ, और वहाँ के नियर का बैशन मैं लोकेट करता हूँ, बिकॉज मेरे को एक और बैशन अभी लूटना था। तो और बाबी टी वी होने वाला था, इन 3-2-1 पहले ही हो गया यार, और पहले ही टी पी और मैं आते ही मर गया। तो अरे 106 शुरू हो चुका था और मैं मूव नहीं कर पा था मेरी प्लेस से, तो नहीं कुछ ग्लिच हुआ था माइनक्राफ्ट एमुलेटर में। मैं एमुलेटर मैंने इतनी बार माउस घुमाया पर कुछ हो नहीं रहा था, मैंने देखा कि ये माउस पर कुछ लगा और मैंने इसको हटाया, फिर जाके चला है हमारा बंदा, तो मैंने इसको हटाया और मैं फिर से उन्हीं कोऑर्डिनेट्स पर टी पी होने के लिए जा रहा था, पर देखो मेरे आसपास का जगह मेरे को स्पॉन एकदम घट गया मेरा। तो क्या मैं अगर इस वाले नदर क्या यहाँ से डिस्ट्रॉय कर दूँ, है ना, अगर मैंने यहाँ से इसको डिस्ट्रॉय किया, अब अगर मैं मेरे ओवर वर्ल्ड में जाके वहाँ से भी इसको तोड़ के दोबारा बनाऊँ, तो क्या मेरे को अलग स्पॉन पॉइंट मिलेगा, आई डोंट नो। चलो मर के हम चलते हैं, बिकॉज मेरे को पता है कि फिर ना वो अलग सा एक पोर्टल ही जनरेट हो जाता है उसी जगह पे। इसको तोड़ता हूँ, चलो टूट गया, और अब मैं इसको दोबारा लगाता हूँ, अब दोबारा को जगाते हैं, प्लीज़ डिफरेंट स्पॉन दे दियो। ओके, नहीं हुआ कुछ,
बस ये देखो वो ही अलग से पोर्टल एक जनरेट हो गया। हम इसको तो चेंज नहीं कर सकते, हमको जो स्पॉन मिल गया अब बस मैं रीसेट कर सकते हैं बस हम इसको, जो कि मैं अभी नहीं चाहता हूँ करना। तो चाहता था तो मैं एक कोऑर्डिनेट पर टीप हमारे 107 था, मैं उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को तो टीप नहीं हो सकना। एक बार मैं कोऑर्डिनेट्स लेवल पे होता हूँ 76 पे और 39 में, पता नहीं कुछ भी रैंडम यहाँ से डाल देता हूँ। मैं जब टीपी होता हूँ तो देखता हूँ, यहाँ पर फेंक दिया गया है और आसपास में फोर्ट्रेस वगैरह देखता हूँ तो फोर्ट्रेस होने पर हमको हमारी प्यारी चीज़ मिल जाती है जो कि है बैशन। तो बैशन पहले मेरे को लगा बैशन है तभी मैंने बोल दिया, बट सामने मुझे कुछ चीज़ दिख रही तो मेरे को लगा पहले वो बैशन हो सकता है, तो मैं गया भाग भाग के, बट बैशन नहीं था। और फिर मैं प्रो था इसलिए मैं MLG वगैरह से यहाँ पर चलती नहीं है, पाउडर स्नो बकेट मेरे पास थी नहीं, तो मैं फटाफट से जाता हूँ और माउस फिर से ख़राब हो जाता है, मैं फिर से नहीं हिल पाता हूँ और फिर से मैं देखता हूँ कुछ लगा हुआ है, फिर मैं इसको हटाता हूँ, फिर मैं बंदूक ही चलते हैं और सामने मुझे दिखता है कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं दिखता तो मैं दूसरे डायरेक्शन को जाने लगता हूँ। और अगर गलती से मैं अगर एक भी लावा पूल में गिर गया तो मैं ख़त्म था, बट आई एम प्रो, मैंने ही वो ये वॉइस ओवर नहीं था, ये बोल रहा था मैं तभी नहीं हुआ। ओके चलो, तो मैं यहाँ से इनका भी एक बैशन रिमांड लोकेट करता हूँ। मैं क्या स्पेलिंग देख नहीं रहा था, मेरे को ज़रूरत ही नहीं थी स्पेलिंग देखने की, नाउ आई एम प्रो। मैंने किसने मान भाई ये NAT किसने लिख दिया आपे? ये मैंने नहीं बोला, ये मैंने नहीं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होता। लोकेट फैशन रिमार एंटी आना है ना, वही मैं कहूँ। ओके ये डिफरेंट है। ओके थ्री एट एट था ना, 388 66 माइनस B12 आई थिंक यही था, ठीक होता हूँ इन कोऑर्डिनेट पर टीपी हो जाता हूँ। और जब मैं ऊपर चलता हूँ लेकिन कुछ पिगलिंस की आवाज़ आ रही होती है तो मैं उनको इग्नोर करता हूँ। बिकॉज बैशन में पिगलिंस के लिए मैं लूट के लिए जा रहा था तो पिगलिंस तो मेरे घर के पास मेरे को मिल सकते थे, बट चलो कोई नहीं। मैं जैसे ही बाहर आया मैंने देखा मेरे आसपास बैशन को मैंने ढूंढने का ट्रू पर देखा इधर उधर किधर है बैशन किधर है, बट मेरे को मिला नहीं। तो मैंने देखा नहीं सही कोऑर्डिनेट्स पे तो टीपी हूँ, तो मैंने देखा तो बिल्कुल सही कोऑर्डिनेट पर टीपी नहीं हुआ था, 488 पर टीपी हुआ था। तो मैं 488 पे तो जाने में मेरे को दिमाग ख़राब होने वाला था बिकॉज ढूंढना पड़ता, तो फिर चुपचाप चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह दोबारा मैं टेलीपोर्ट हुआ, पर तो मैंने टाइम से डे किया और फिर मैं टेलीपोर्ट होने चला। अगर ये डे जब मैं करता हूँ तो वो काउंट नहीं हो रहे हैं अपने डेज में, तो इसके लिए कोई बात नहीं है। फिलहाल मैं टीपी होता हूँ 76 minus 312, तो मैं टीपी हो जाता हूँ और फिर मैं देखता हूँ मैं बिल्कुल लावा में गिरते गिरते बचाऊँ, और मैं बच तो जाता हूँ पर मेरी हेल्थ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम बचती है, तो देखता हूँ देखता रहता हूँ बस, और मैं बच जाता हूँ देखते देखते मैं देखता हूँ। पर खाने के लिए बस एक गोल्डन एप्पल ही था तो, और मैं इसको ही खा लेता हूँ फिर, और कुछ तो था ही नहीं खाने को मेरे पास। और फिर हम प्रोस की तरह चल लिए उस नए वाले बर्शन की तरफ, मैं प्रोस की तरह चल लिया उस बर्शन की तरफ, अलग न्यूज़ की तरह जा रहा हूँ। हाँ वो मैं वॉइस ओवर कर रहा था नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर
और मैं देखता हूँ कि मैं एक और मेरे को फोर्ट्रेस एक्सप्लोर करने में जाना था बिकॉज डे फना 107 ही चल रहा था अभी। और मैं ऐसे दूसरे में आ जाता हूँ बैशन में और यहाँ पे एंट्री मारते ही तो सामने कोई चेस्ट दिखती है जिसमें मैं सोचता हूँ बाद में लूटने की और मैं नीचे गिर जाता हूँ जिसके को कोई कुछ था ही नहीं। और मैं देखता हूँ सामने एक फोर्ट्रेस भी है बट वो नेदर वॉट हो गई थी बस तो मेरे को लगा फोर्ट्रेस है और मैंने वॉइस ओवर नहीं किया और कहते तो मैं ना ऐसे ही सिंपल बोलता हूँ बिकॉज ऐसे तो जब मेरे नेक्स्ट टाइम करेंगे तो फिलहाल मेरे को यहाँ पर एक चेस्ट मिल जाती है जो कि मैं इसको चेक करता हूँ और इसके अंदर मेरे को मिल जाती है एंशिएंट डेब्री तो मैं इसको कलेक्ट कर देता हूँ। फर्स्ट एंशिएंट डेब्री मैं और चेस्टों की तलाश में लग जाता हूँ। चेस्ट तो नहीं पर यहाँ मेरे को गोल्ड दिखा था और गोल्ड के पास मैंने सुना है चेस्ट मिलती है तो गोल्ड के पास तो मैं देखा कोई चेस्ट नहीं मिली और फिर मेरे को लगा कि नई चेस्ट हो सकती है बट पुराने वाली लग रही थी मेरे को। मैं जब खोल के देखा और पुराने वाली थी मैंने स्वॉर्ड पे देखा भी नहीं और इस पर लूटिंग 2 लगी थी मैंने इसको ले ली और फिर मैंने नेदर वॉट को मैंने इग्नोर किया और पता नहीं मैंने क्यों किया था बट हाँ मैंने कर दिया। और उसमें बाद अगर पाउडर स्नो बकेट होती तो मैं अपने आप को रिकवर कर लेता बट नहीं थी तो मैं यहाँ से फिर से जाता हूँ। अरे बैशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा था तो मैं इसको एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ पर ज़्यादा ब्लॉक्स भी नहीं बचे थे तो मैं देखता हूँ कुछ प्लांट्स पड़े हैं जिनको मैं यूज़ करके जाता हूँ बिकॉज मेरे पास मेरे ब्लॉक्स को डेकोरेट वगैरह करने का सोच रहा था। और फिर मैं चलता हूँ आगे को और मैं सोचता हूँ पहले क्रेट में पूरे बैशन को लूटने की बट फिर उसका ही नहीं डिसीजन था मेरे को लाइन लग रहा था तो फिर मैं चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह वहाँ पे जाता हूँ और मैं गिर जाता हूँ और मैं क्रिएटिव व्यू मोड का यूज़ करने लगा था यहाँ पर तो जैसे ही ये खुलता है खुलने में 100 घंटे लेता है तब तक मेरा प्लेयर बच जाता है ये। और मैं सोचता हूँ क्रिएटिव में लूटने की पूरी बैशन और मैं देखता हूँ सामने कोई चेस्ट भी नहीं थी तो मैं ऊपर वाले फ्लोर पे आ जाता हूँ। ऊपर वाले फ्लोर पे भी कुछ नहीं था यहाँ पर भी गोल्ड यहाँ मिला ही नहीं मेरे को पूरे बैशन में तो इस बैशन को मैंने डिस्ट्रॉय करने का तो सोचा भी बिकॉज काफ़ी ज़्यादा बड़ा था कंपेयर टू हम पिछले वाले से तो करें तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है उसके अगर 2 बैशन भी कर दो फिर भी इतने नहीं बने इतना बड़ा बैशन नहीं बनेगा। और नीचे मैं गोल्ड के ब्लॉक्स देखता हूँ जिसको मैं लेने चलता हूँ फटाफट तो एक गोल्ड के ब्लॉक से कुछ होने नहीं वाला था तो मैं इसको यहीं पे ऐसे छोड़ देता हूँ। मैं देखता हूँ ना चेस्ट की प्रोटेक्शन के इतना कुछ लगाया था मैं चेस्ट को ही जला देता हूँ बाद में। मैं देखता हूँ ये बैशन में हमें कुछ सही लूट नहीं मिल रही है सही बस क्योंकि बाकी सब कुछ सही था बड़ा बैशन था और ना चेस्ट थी ना यहाँ पर गोल्ड था तो बैशन के सबसे ज़्यादा टॉप फ्लोर पे चलता हूँ मतलब मेरे को वहीं से उम्मीद थी और कुछ नहीं था। और टॉप फ्लोर पे आते ही सीधा 3 चेस्ट मेरे को दिखती हैं उससे मैं दोनों छोटे वाले लूटता हूँ छोटी वाले में वही सोर्सेज वगैरह ही मिलते हैं तो मैं उनको कलेक्ट कर लेता हूँ और CDN मिल जाते आगे की जर्नी के लिए काम आने वाला था तो एरोस भी मैं ले लेता हूँ बिकॉज ये भी आगे की जर्नी में और ये भी ले ही लेता हूँ क्या जा रहा था। और दूसरी चेस्ट में भी एक एंशिएंट डेब्री थी और बाकी सब तो कूड़ा ही था और बस और कुछ नहीं था। और ये वाली चेस्ट में एक डायमंड शवल थी इसको मैं ले लेता हूँ और एक आयरन का ब्लॉक था जिसको उसको भी मैं ले लेता हूँ। मैं देखता हूँ मैंने बोन के ब्लॉक को मेरे छोड़ा हूँ पिछले चेस्ट में मैं बोन के ब्लॉक से आता हूँ और मेरी आगे की जर्नी में वो भी काम आने वाले थे। मैं देखता हूँ इधर मेरे बोन के ब्लॉक्स खड़े हैं और ऑब्सीडियन में थोड़ा सा और ले लेता हूँ और फिर आखिरी चेस्ट में कुछ खास नहीं मिला पूरा OP एक आयरन का एक और ब्लॉक और एक गोल्डन एप्पल मेरे को मिल गया था। और मैं आगे और चेस्ट ढूंढने लग जाता हूँ और आगे मेरे को कोई चेस्ट नहीं मिलती
तो ये पैशन है, उनको दो एंशिएंट डेब्रीज मिल गए थे, तो मैं सोचता हूँ भाई एंशिएंट डेब्रीज थी वो, मेरे को माइनिंग भी करनी थी, तो सोचता हूँ अच्छी लूट थी यहाँ पे। और मैं सोचता हूँ एक और पैशन लूटने की। तो गाइस हम ये एक और पैशन मैं लूटने जाने वाला था, तो बिकॉज मेरे को पैशन लूटने का ही मन कर रहे थे, बिकॉज अभी हमको फोर्ट्रेस में भी जाना था, तो समझ सकते हो 66 पे नहीं हो रहा था, मैं 89 पर जाता हूँ, मैं क्रिएटिव में हूँ और 39 पर लेजेंडरी नंबर है, ऐसे यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। और देखो 89 में भी देखो अभी भी यहाँ पे इसको कम पड़ रहे हैं, मेरे को याद है मेरे को नीचे जाना है, ऊपर नहीं, मैं नीचे को जाने लगता हूँ तोड़ फोड़ के। मैं इस लावा को बंद कर देता हूँ, तो मैं देखता हूँ लावा काफ़ी ज़्यादा जल्दी बंद हो गई हमारी कंपेयर टू ओवर ओवर वर्ल्ड। अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ से ये आ चुका है, और मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बैशन के लिए सर्च करता हूँ, मैं कहता हूँ अगर ऐसे ही मिल जाए सही है बैशन, बट नहीं मिला। हाँ वो मेरी आंखों के सामने अभी है बैशन, हालांकि फिर लोकेट कर रहा यार। भाई अब इसको स्लैश भी चाहिए होता है, एक तो इसका भी पंगा है स्लैश का। एक मिनट रुको, तो अभी गाइस यहाँ से बैशन एक, यू नो बहुत टाइम बीतीद पड़म 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 पड़। और मेरे को 9720 66 और लास्ट के कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता थे, तो मैं रैंडम पे ही टीपी हो गया और वो थे 200, यानी कि वीडियो बहुत टाइम बीती फिर से टीपी होने का, नहीं मिती माइनस 9720 78, ओके सही लिख रहा हूँ अभी, और अब 200 प्लीज अभी ओके। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो उनको ऊपर की तरफ आई थिंक नीचे की तरफ को डिक करना है, ओके बाहर आ चुका हूँ। बट वेयर वेयर डोंट टेल मी, ओके नहीं है नहीं है। अरे भाई पैशन किधर है, एक मिनट, नियरेस्ट बैशन इज माइनस 9720, उसके बाद हमें को फिर से 78 और अब माइनस 200, ये है कोऑर्डिनेट्स। अब प्लीज इन्हीं कोऑर्डिनेट्स पे मिल जाए, नहीं तो पहली बार वैशन के बिल्कुल अंदर के कोऑर्डिनेट्स बताएं। ओ गोल्ड 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 तुत्र की रम दी माता बेटा एमी इलेक्शन तुत्र की रम दी माता बेटा। अरे कैश भी मेरे को मिल जाती है, मैं डिफॉल्ट पे मोड कर लेता हूँ। और सबसे पहले मैं चेस्ट की लूट चेक करता हूँ, जिसके अंदर मेरे को मिल जाता है कूड़ा, कूड़ा तो नहीं था, नेदरराइट स्क्रैप, बस मेरे को एक नेदरराइट का स्क्रैप गाइस और चाहिए था, और फिर मैं बना सकता था मेरे लिए। मैं मेरी थोड़ी सी डैमेज वाली इनके लिए रख देता हूँ, और नई वाली बिल्कुल फ्रेश ले लेता हूँ, एकदम फ्रेश, और एक इंचाइ मेरी वाली इनके लिए रख देता हूँ, मतलब बिना एन्चेंटेड। और गाइस टॉस होने वाला है, आपको पता है ना किसका, ना बहुत टाइम इटीज गोल्ड लूटने का टाइम इटीज। अरे एक मिनट, पर मैं सारे गोल्ड लूटने तो मेरे को रियलाइज होता है कि मैं मेरे एक वेपन को नेदरराइट घर जाके बना पाऊंगा, बट उसमें मेरे को एक नेदरराइट का स्क्रैप और चाहिए था, जो कि यहाँ मेरे को पैशन में आसानी से मिल जाने वाला था। अगर मैं दो तीन पैशन और लूटता हूँ तो मेरे को पिकैक्स के लिए भी मिलना था, तो सबसे पहले टॉप फ्लोर पे जाता हूँ, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरा लास्ट पैशन है आज का। मैं सोचता हूँ अगले जब हम 150 डेज मोर सर, मतलब 100 डेज ही, इसके बाद और नहीं बढ़ाने वाले हैं, और जब हम 100 डेज और करेंगे तब करेंगे, और ये डे 110 था,
उनका, जब हम अगले 100 days सर्वाइव करेंगे तो हम चलेंगे एक और बैशन को लूटने। फिलहाल हम ये वाला लास्ट स्टेशन है, बिकॉज मेरे को फोर्ट्रेस में भी जाना है और यहाँ से मेरे को कोई चेस्ट और नहीं मिलती है, तो डिसअपॉइंटमेंट के साथ जाना पड़ता है मेरे को वापस। और अभी तुमको डायमंड का ही रहना पड़ेगा, कोई नहीं राइड करनी पड़ेगा। और यहाँ से मैं ज़रा थोड़ा बहुत चेक करता हूँ बट नहीं मिलता यार। बट यहाँ पर मेरे को एक चेस्ट मिलती है जिसके अंदर मेरे को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी बट खुलती नहीं है, तो मेरे को लगता है कोई ग्लिच होगा। फिर मैंने माउस का ही लगा और उसके अंदर था कूदा, यहाँ गोल्ड मिल गया था मेरे को इसके अंदर, जिसको मैं ले लेता हूँ। और क्राइंग ऑब्सीडियन मैं ले लेता हूँ और यहाँ से बैशन जम कर देते हैं अपने टाटा बाय बाय, और हम चल लेते हैं अपने घर के लिए सायोनारा बाय बाय। और इन बैशन के सारे प्राणियों को मैं ज़रा मार देता हूँ फ्लैश की, तो खुद मर रहे हैं तो उसको भी मार के रहूँगा। हाँ और डे 111 चल रहा था, वाओ वाह। और जोन से मेरे को सबसे पहले आयरन के ब्लॉक्स मिले थे तो मैं उनको रख देता हूँ, बिकॉज मेरे को आयरन की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं थी। और पर डायमंड सिक्स तो काफ़ी सारे पड़े होते हैं, तो मैं बना देता हूँ फाइनली एक मेरे लिए एंचेंटिंग टेबल, तो मैं बना नहीं सकता था। और मेरा प्लान था एक घर बनाने का, और घर बनाने के लिए आपको याद होगा 2 घंटों में मेरे सिर्फ इतना काम हुआ था, तो आज भी घर आई डोंट और मैं और ये चलो हर डे। और अब मैं फिर से चलता हूँ नेदर में, अब मेरे को फिर से जाना था, तो मैं एक मिली उसे इन्वेंट्री खाली करनी है, तो नहीं तो मैं वहीं से सीधा, हमको भी जाना है पहले, तो हमको मेरे को जाना था इंफोन डब्रीज की माइनिंग पे। और मैं फर्नेस वगैरह में ले जाता हूँ थोड़े से साथ बना के, तो और मैं थोड़े से डायमंड भी ले जाता हूँ, और डायमंड की 5-6 पिकैक्स बनाने के बाद मैं आयरन की भी कुछ नहीं लेके जाता, मैं बस डायमंड की 2 पिकैक्सें और बनाने थी मेरे को। तो मैं सबसे पहले तो मेरी इन्वेंट्री खाली करता हूँ, और मैं यहाँ से 8 furnaces बना के और थोड़ी सी मैं यहाँ से लकड़ियाँ बना के उसकी डंडियाँ बना के बना लेता हूँ मेरे लिए 1, 2, 3 एक्स्ट्रा पिकैक्स। बट आई थिंक डायमंड्स की यहाँ पे बर्बादी की गई है, तो मेरी वो वाली पुरानी वाली जो पिकैक्स थी वो टूटने वाली थी। और ये और यहाँ से मैं माइन करता हूँ पूरे, आई थिंक मैं माइन करता हूँ, मैं बस हिसाब लगा रहा हूँ, वॉइस ओवर नहीं कर रहा। आई थिंक मैं माइन करता हूँ कुछ 50 to 60 days में माइनिंग करने वाला हूँ, तो देखते हैं। और फिलहाल मैं लावा में चढ़ चुका हूँ, लावा यहाँ से कलेक्ट करते हैं। और मैं और थोड़ी सी माइनिंग मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, तो चलो। और पूरे के पूरे 5 दिन बाद मेरे को मेरा पहला एंशिएंट डेब्री मिल जाता है, इसको मैं तोड़ता हूँ। और ज़्यादा टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा मेरे को लग गया था। और अब मेरा पहला टूल होने वाला था नेदरराइट में अपग्रेड, जो कि थी मेरी डायमंड की पिकैक्स, तो मैं इन सारों को कलेक्ट कर लेता हूँ जितने मेरे को यहाँ से मिल सकते हैं, और मैं इसके आसपास देखता हूँ तो जहाँ पर कोई तो मेरे को नहीं मिलता बट मुश्किल। और मैं थोड़ी सी इसके अब मैं ऐसे सेफ्टी से चल रहा था, तो चलो। और मैं माइनिंग करते करते पहुँच जाता हूँ एक पैशन में, तो मैं इस पैशन को मैं इग्नोर करता हूँ बिकॉज फालतू चीज़ है, तो मैं यहाँ से फिर से मेरी माइनिंग पर लग जाता हूँ। और जब मुझे 3 इंशुन डबरी और मिलते हैं तो मैं घर आ जाता हूँ।
और घर आने के बाद में जो देखता हूँ मेरी आँखें चूक कितनी इंच डबरी और हैं, मैं देखती हूँ बस एक स्क्रैप और था, यानी कि मैं मेरे दो टूल्स को अपग्रेड कर सकता था नेदरराइट में। तो सबसे पहले मेरे को पता लगाया मैंने कि उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो उसे देखा कि हमको कितने चाहिए मेरे को नेदरराइट इनगोट के लिए। मैंने वहाँ पर ढूंढने लगा कि नेदरराइट इनगोट मिलती कहाँ पे है हमको, आई नो यहीं कहीं होती है, बस मैं आप सर्च करता हूँ नेदर राइट इनगोट। उसके लिए मेरे को दिखा रहा था एक इसका ये ब्लॉक, तो बट अभी दिखाएगा जो मेरे पास स्क्रैप आएंगे। तो यहाँ से मैं देखता हूँ मेरे कितने स्क्रैप हुए, बस यहाँ पर पूरे टोटल 4 स्क्रैप हो चुके थे। देखते हैं बस गोल्ड पड़ा है, तो गोल्ड में 49 तो ये थे और 16 उसके ब्लॉक थे, तो आराम से बस गोल्ड था। तो फाइनली हमारे पास एक नेदरराइट का इंपोर्ट आ चुका था, और मैं सोचता हूँ मेरे गोल्ड को भी स्मेल्टअप कर ही देते हैं, और इतने टाइम से बेचारा पड़ा हुआ है इधर, पता नहीं कुछ खाया भी होगा या नहीं। तो मैं इसके लिए भी फर्नेसेस दो बनाता हूँ, और एक के अंदर मैं मेरा थोड़ा सा डाल देता हूँ, और ये और इसमें तो सारा ही जाता है, मैं देखता हूँ कि इसमें मैं सारा ही डाल दिया, तो मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ वापस, इतना मैं ले लेता हूँ, मैं इसके अंदर उनमें से रखता हूँ, और उसके अंदर मैं सारा कोल्ड जितना होता है वो डाल देता हूँ। मैं देखता हूँ मेरे पास सारे हो चुके हैं मेरे स्क्रैप्स, और मैं एक और बना सकता हूँ। मैं देखता हूँ गोल्ड तो बस था, और एक और मेरे पास यहाँ पर आ चुकी थी, और मैं बनाता हूँ यहाँ से एक स्मिथिंग टेबल, तो बिकॉज उससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से एक स्मिथिंग टेबल बना देता हूँ अब इसको। और ये था डे 160 चल रहा, आप समझ सकते हैं कितनी माइनिंग की 160। तो सबसे पहले मैं स्वॉर्ड को करता हूँ, स्वॉर्ड ही अगले नाम आने वाली थी, तो और इसको और मैं मेरी पिकैक्स को नेदरराइट में बदल देता हूँ। और अब मैं ऐसे घूमता हूँ नाचता हूँ, मेरे को पिकैक्स आ चुकी है, और मेरे को थोड़ा बहुत आइलैंड एक्सप्लोर करने थे, बट उससे पहले मैं मेरे घर के लिए एरिया बनाने लग गया, बिकॉज घर तो बनाना ही था चाहे जो मर्जी हो जाए। अरे हमें देखते हुए एक और पेड़ उग चुका है, तो घर की जो ना एरिया था वो मैं बनाना शुरू कर देता हूँ। और डे 170 तक बस इतना काम ही हुआ था, तो या बस इतना सा काम ही हुआ था, तो अभी काफ़ी सारा काम रहता था, तो डे और डे 190 तक के काम है शुरू कर देता। और ये चल रहा था डे 195, और सिर्फ काम हुआ था इतना, और काफ़ी कम मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था इसको करने में, तो मैं फटाफट काम कर रहा था आप लोग के सामने। और ये था डे 197, और अब आप लोग कुछ सोच रहे होगे अगर भाई इसको इतना इस जगह को बनाने में घर कितना टाइम लगे, तो इसको घर बनाने में कितना टाइम लगेगा, 100 साल लगा देगा घर बनाने में, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। घर तो मैं सिंपल सा भी नहीं बनाने वाला, ना ज़्यादा स्टाइलिश भी नहीं बनाने वाला, तो उसके लिए तो मटेरियल तो मैं ऑफलाइन बैठ के कलेक्ट कराऊँगा, वुड वगैरह ही लानी है, तो वो तो सामने वाले आइलैंड पर आपको दिख रही होगी काफ़ी सारी हैं। अब बिकॉज मैं जा भी सकता हूँ, और लोग भी जाते हैं, तो यार मैं तो जा ही सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको ऑब्सीडियन दिख रहा होगा, मैं आपको सीन बताता हूँ। तो मेरे पास आपको यहाँ मैं नेदर से एक लावा की बकेट लाया था, तो मैंने गलती से मैंने सोचा एक हैक निकालती है, वो हैक पता है मस्त था, क्योंकि नेदर में आपको पता होगा लावा फ्लो करती है जल्दी, मैंने कहा नेदर रैक में भी तो फिर जल्दी फ्लो करती हो, यहाँ मैंने ट्राई किया और फिर हो गया। और मैं और फिर मैंने मेरा 100 IQ लगाया, वो IQ आप गेस करो क्या था, मैंने इधर ये लावा फेंक दी, कल मैंने गलती से फेंक दी, मेरे को आ गई फटाफट से पानी उठाया नेदर रैक के ऊपर फेंक दिया, और ये लॉजिक भी है, और नेदर में नेदर रैक के ऊपर पानी फेंक नहीं सकते, और यहाँ पे अलग ही सीन है। और ये हमारा लास्ट डे है आज की वीडियो का, डे 199, और वीडियो देखो सिर्फ बनी है 30 मिनट्स का, आपको सिर्फ मैंने एक डे दिखाया, तो समझ सकते हो। मैं लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और लास्ट डे आई एम वर्किंग।
और काम थोड़ा सा तो हो चुका है, देख सकते हो इतना काम हो चुका है। यहाँ पूछना कि इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों नहीं हो रहा, इतना इजी काम है। और सामने आता है एक वंडरिंग ट्रेडर आता है, जिसके पास में जाता हूँ मैं कॉन्स्टेबल, देखना तो था ना वो क्या दे रहा है। और मेरे को दे रहा था जो कि मैं नहीं ले सकता था, इससे भी एमरल्ड थे, ड्रिप्स नहीं दिया था जो कि काफ़ी बढ़िया होते हैं ट्रैप्स वगैरह बनाने के लिए, बट मेरे पास थे नहीं, एमरल्ड भी नहीं थे तो मैं क्या कर सकता था, नहीं तो मैं दोनों चीज़ें ले लेता, मैं मेरे काम पे लग जाता हूँ। और ये दिन भी ख़त्म होने वाला होता है, तो हमारा नेक्स्ट डे था 200, तो बस मैं काम पे लग जाता हूँ। तो चलो, और अब दिन होने वाला था, यानी कि हमने सरवाइव कर लिया है पूरे के पूरे 200 डेज इन अ सर्वाइवल आइसलैंड। तो नेक्स्ट डे 300 डेज करेंगे। और फिलहाल आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शादी देख के जाओ। अब मैं मिलता हूँ तुम लोग SMP पे, ज़रूर आना। और SMP का IP कोड मैंने खेल, और आज के लिए इतना ही, बाय।